नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रीति गोयल, स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रॉकिंग मोदी केयर क्लब में। दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ मोदी केयर के रिसेंटली लॉन्च प्रोडक्ट अर्बन कलर लंदन रीडिफाइनिंग रेंज के बारे में, जो हमारा बेहतरीन स्किन केयर रेंज है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें इस स्किन केयर रेंज की ज़रूरत क्यों है, क्या ज़रूरतें हैं हमारी स्किन की, कि ये जो एज रीडिफाइनिंग रेंज है हमारी स्किन पे कैसे वर्क करेगा और इसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि हमारी सारी वीडियोस आप तक समय से पहुंच सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे कि हमें इस रेंज की ज़रूरत क्यों है, क्या हमारी स्किन में हो जाता है जिसकी वजह से इस तरह की रेंज की आवश्यकता हमें पड़ती है। दोस्तों जो हमारी स्किन की लेयर है, पहली भी वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि हमारी स्किन की तीन जो हमें दिखाई दे रही है सिर्फ वही एक लेयर नहीं होती, तीन तरह की लेयर होती है। तो जो पहली लेयर जो हमें दिखाई देती है वो है एपिडर्मिस, दूसरी है हमारी डर्मिस और तीसरी है हाइपोडर्मिस। तो जो एपिडर्मिस लेयर है वो सब कुछ झेलती है, डर्ट पोल्यूशन जितना भी कुछ भी होता है वो सब कुछ इसी लेयर पर जाता है। उसके बाद जो हमारी सेकेंड लेयर है वहाँ पर हमारे टिश्यूज और जो सेल्स होते हैं वो मजबूत बनते हैं, स्ट्रेंथन होते हैं। और उसके बाद जो डीपली जो हमारी थर्ड लेयर है हाइपोडर्मिस, वहाँ पर हमारे फैट सेल्स रिपेयर होते हैं। तो दोस्तों जो इन सेल्स पे जो प्रॉब्लम आती है, जो इन लेयर्स पे प्रॉब्लम आती है, उन प्रॉब्लम्स पे हमें दिखाई देने लग जाते हैं कुछ एजिंग साइंस। तो बात करेंगे सबसे पहले कि ये एजिंग साइंस होते क्या हैं। 30, 40 और 50 की एज में जैसे जैसे हम जाते जाते हैं तो हमारी स्किन पे कुछ अनवांटेड साइन दिखाई देने लग जाते हैं, कुछ पिगमेंटेशन होने लग जाती हैं। तो उनका कारण क्या है और ये क्या होती हैं? दोस्तों जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारे सेल्स बनने कम हो जाते हैं, मरते लाखों की तादाद में है लेकिन रिपेयर और रीजनरेट धीरे धीरे होते हैं, बहुत स्लो प्रोसेस से होते हैं। हमारी स्किन में मॉइस्चराइजर कम हो जाता है, नमी कम हो जाती है, यानी कि हाइड्रेशन कम हो जाती है और स्किन ड्राई होने लग जाती है। स्किन ड्राई होने की वजह से फाइन लाइंस और रिंकल्स दिखाई देने लग जाते हैं। हमारी स्किन जो हमारी फर्स्ट स्किन की जो लेयर है वो डेड स्किन लेयर बन जाती है, क्योंकि सारा कुछ सब उसी लेयर पर हमारा आता है। साथ में जो हमारी स्किन का कोलाजन होता है, कोलाजन एक प्लांट कोलाजन होता है जो हमारी स्किन की जो इलास्टिसिटी होती है, जो हमारी स्किन को स्मूथ बनाता है, हमारी स्किन को जो टाइट बनाता है, वो कोलाजन और इलास्टिन भी हमारी स्किन में बनना कम हो जाता है, नेचुरल प्रोसेस से वो बनना कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन एजिंग की तरफ जाने लग जाती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो स्किन का जो न्यूट्रिशन लेवल है वो भी कम हो जाता है दोस्तों, और जो हमारे स्किन का डीएनए है वो भी डैमेज होना शुरू हो जाता है। अब उस सब का रीज़न क्या है? उस सब का रीज़न कई बार यूवी रेज हो सकती हैं, पोल्यूशन हो सकता है, डर्ट हो सकता है, स्किन की केयर ना करना हो सकता है, अच्छा न्यूट्रिशन ना लेना हो सकता है, वो सब कुछ जो है हमारी स्किन को झेलना पड़ता है। स्किन की जो टॉलरेंस पावर होती है, जो स्किन की क्षमता होती है, वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। नेचुरल जो मॉइस्चर बैलेंस था, जो नेचुरल मॉइस्चर लेवल था, वो कम होने की वजह से स्किन में क्या और बहुत सारी प्रॉब्लम्स, हमारे आईज़ के चारों तरफ हमें पैचेस दिखने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों के आईज़ के नीचे आप देखेंगे कि स्वेलिंग जैसा लगता है, आई बैग्स बन जाते हैं, जो हमारे ये चीक बोन्स हैं ये प्लम्प, एक एज में तो प्लम्पी होती है लेकिन धीरे धीरे ये सैगी हो जाती हैं, लटकनी शुरू हो जाती हैं। ये सब हमारे एजिंग साइंस हैं दोस्तों। और दोस्तों हमारी आंखों के किनारे पर ये जो कॉर्नर्स होते हैं, जब हम स्माइल करते हैं तो फाइन लाइंस आनी शुरू हो जाती हैं और स्किन इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं दोस्तों। ये सब होते हैं हमारे जिसको हम कहते हैं कि साइंस ऑफ एजिंग। और जो हमारा जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है कि रिंकल्स और फाइन लाइंस जब वो दिखने शुरू हो जाते हैं तो उसका मतलब यही है कि ये एजिंग साइंस आपको आने शुरू हो गए हैं दोस्तों। जानेंगे कि प्री मैच्योर एजिंग के कारण, मैंने अभी कवर किया आपको कुछ एक कारण की न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है, हमारा वाटर लॉस हो सकता है, क्योंकि 30 से 40 की एज में हमारा जो वाटर लॉस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, फ्री रेडिकल्स हो सकता है, पोल्यूशन हो सकता है और बॉडी में टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, स्किन पे टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, हमारी स्किन से नेचुरल वे से जो कोलाजन है और जो हाइलुरोनिक एसिड है
वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। हाइलुरोनिक एसिड, जैसे कि पहले भी वीडियोस में मैंने आपको बताया, जो रिटेंशन ऑफ मॉइस्चर है वो धीरे धीरे हमारा कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये एजिंग साइंस हमारी स्किन पे दिखने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों अब बात आती है कि इन एजिंग साइंस से कैसे बचाव हो, क्या इनसे बच पाना मुमकिन है। दोस्तों तो ये हम बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अगर एजिंग साइंस हमें आ गए हैं या एजिंग साइंस हमें आने वाले हैं तो इनसे बचाव बहुत मुश्किल है, इनसे हम नहीं बच सकते। इसके लिए हमें करना क्या होगा कि हम इन एजिंग साइंस से बच सकें, या अगर आ गए हैं तो उन्हें रोक सकें, और अगर नहीं आए हैं तो उनकी रोकथाम कर सकें, तो क्या इसके लिए हमें करना चाहिए। दोस्तों इसके लिए हमें ये करना है कि हमें अपनी स्किन की केयर करनी है शुरू से ही, इनिशियल स्टेजेस से ही हमें अपनी स्किन की शुरुआत करनी है। प्रो एक्टिवली कॉम्बैट एंड सेफगार्डेड, यानी कि इन सब चीज़ों से, जो भी ये सब कुछ अभी मैंने आपको सिम्टम्स बताए, रीजंस बताए, उन सबसे पहले से ही आपको अपनी स्किन को प्रिपेयर करना है। और जैसे कि हम बहुत सारे हमारे श्लोका वाले सेशंस में ये बात जान चुके हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए हमारी स्किन पे एजिंग साइन रोकने के लिए, तो वो है सबसे पहले हमें क्लिंजिंग करनी चाहिए, टोनिंग करनी चाहिए, ट्रीटमेंट करना चाहिए, मॉइस्चराइजिंग करनी चाहिए, एंड देन प्रोटेक्शन करनी चाहिए। अगर हम ये सारे स्टेप्स करते हैं तो हम काफ़ी हद तक इन एजिंग साइंस को अपने तक आने से रोक सकते हैं या इन्हें मिनिमाइज कर सकते हैं। और ये हमें दोनों टाइम करना चाहिए, मॉर्निंग में भी करना चाहिए और इवनिंग में भी करना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते और नहीं करते। लेकिन अगर आप हेल्दी और ग्लोई स्किन परमानेंटली चाहते हैं तो आपको ये स्टेप्स जो हैं वो दोनों टाइम करने चाहिए, सारे ही स्टेप आपको फॉलो करने चाहिए। तो दोस्तों बात करेंगे कि अर्बन कलर लंदन रेंज, एज रीडिफाइनिंग स्किन केयर रेंज कैसे आपकी इस सब में मदद करेगी, उसमें क्या क्या डाला गया है। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी पैकेजिंग, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसकी जो पैकेजिंग है वंडरफुल पैकेजिंग है, रेड कलर का ये पूरा पैकेज देखने में ही बहुत शानदार है। प्रीमियम पैकेजिंग के साथ आपके लिए लाया है मोदी केयर। तो दोस्तों इसमें क्या डाला गया है, इस एज रीडिफाइनिंग रेंज में दो तरह की टेक्नोलॉजी यूज की गई है। जो पहली टेक्नोलॉजी है उसका नाम है एपिलिफ्ट कॉम्प्लेक्स और दूसरी टेक्नोलॉजी का नाम है 3C एक्शन सिस्टम। तो दोस्तों डिटेल में जानेंगे अभी कि ये दोनों टेक्नोलॉजी किस तरह से आपकी एजिंग साइंस पे वर्क करेंगी, या अगर नहीं आए हैं एजिंग साइंस तो उनको आने से रोकेंगी। दोस्तों ये एक पावरफुल एडवांस फॉर्मुलेशन है जो आपकी एंटी एजिंग केयर करेगी, उस एंटी एजिंग केयर का सोल्यूशन है। तो दोस्तों बात करेंगे कि अगर आपकी स्किन में एज रीडिफाइनिंग रेंज जो है, जो एज रीडिफाइनिंग रेंज है वो कैसे काम करेगी। अगर आपकी एज 30 प्लस है, जी दोस्तों 30 प्लस एज वाले इस रेंज को यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपकी स्किन जैसे जैसे 30 पर पहुंचती है तो स्किन का सैगिंग होना शुरू हो जाता है, तो आपकी स्किन को ये अपलिफ्ट करेगी, फर्म करेगी, स्किन को टाइट करेगी और स्किन को हेल्दी बनाएगी। दूसरा ये जो इसमें एपिलिफ्ट कॉम्प्लेक्स डाला गया है वो आपके कोलेजन को बूस्ट करेगा, जो कोलेजन है स्किन में, जो कोलेजन होता है हमारा नेचुरल इलास्टिसिटी होती है उसको बूस्ट करेगा, और जो टेक्सचर है स्किन का उसको स्मूथ करेगा और उस टेक्सचर को बढ़ाएगा, उस टेक्सचर को अच्छा करेगा। जैसे कि अगर हम इस तरह से ये हमारे चिक्स को प्रेस करते हैं तो उस स्किन के टेक्सचर को वो बूस्ट करेगा, लटकने नहीं देगा। 3C एक्शन सिस्टम को अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये 3C एक्शन सिस्टम क्या है, जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी इसमें डाली गई है। ये आपका जो एनवायरमेंटल डैमेज है, जो यूवी रेज हैं, जो पोल्यूशन है, इन सब से आपको बचाएगी। साथ में आपको खाली यूवी रेज से ही नहीं बचाएगी, एक ऑप्टिमल हाइड्रेशन भी देगी। जो स्किन में डैमेज हो रहा है, जो स्किन में डिहाइड्रेशन हो रहा है, जो मॉइस्चर की कमी हो रही है, नमी की कमी हो रही है, उस नमी को बरकरार रखेगी। साथ में आपकी स्किन को, जो आपकी स्किन को हेल्दी बनाएगी और जो प्लम्पी लुक है स्किन का वो बरकरार रखेगी और स्किन को ग्लोई करेगी। तो दोस्तों सबसे पहले जानेंगे एज रीडिफाइनिंग रेंज में जो टेक्नोलॉजी डाली गई है वो है एपिलिफ्ट कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी। ये आपके कोलेजन को बूस्ट करता है, आपकी हाइड्रेशन को रीस्टोर करता है, स्किन को टाइट करता है, टेक्सचर को बेटर बनाता है। साथ ही जो भी इसको जो यूज करना चाहते हैं वो अनमिसेबल यूथफुल ग्लो, आपके चेहरे पर एक यंग ग्लो बनाए रखता है। तीसरा, ये जो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी है, जो आपकी स्किन की नेचुरल इलास्टिसिटी है उसको मेंटेन करता है।
उसके बाद बात करेंगे 3C एक्शन सिस्टम क्या है। 3C एक्शन सिस्टम है दोस्तों, कॉम्बैट्स, केयर्स एंड कंफर्ट्स। अभी कॉम्बैट्स करता है फ्री रेडिकल डैमेज, जो एनवायरनमेंट में रेडिकल्स होते हैं, फ्री रेडिकल्स होते हैं, हम कहीं भी बाहर जाते हैं आते जाते हैं, जो भी फ्री रेडिकल्स हमारी स्किन पे अटैक करते हैं तो उनसे हमारी स्किन को बचाता है, आपकी स्किन की केयर करता है, बूस्ट करता है, आपके कोलेजन को बूस्ट करता है और आपकी स्किन को नया बनाता है, रिन्यू करता है, साथ में कंफर्ट करता है बाय रिप्लेनिशिंग एंड बिल्डिंग स्किन नेचुरल मॉइस्चर। स्किन का जो नेचुरल मॉइस्चर है उसको कंफर्टेबल करता है, उसको बनाए रखता है, मेंटेन रखता है। दोस्तों जल्दी से बात करेंगे इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। इसमें डाला गया है विटामिन ए रेटिनॉल, जो अपने आप में एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज रखता है अपने अंदर, आपकी स्किन को रिपेयर करता है, एक्सेस ऑयल को रिड्यूस करता है, आपके जो पोर्स हैं, जो पोर्स खुल गए हैं उनको मिनिमाइज करता है, साथ में एक हेल्दी स्किन देता है। दोस्तों इसमें डाला गया है विटामिन सी, जो अपने आप में एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है, आपके मेलानिन प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, साथ में आपकी स्किन को ब्राइट, स्किन टोन को ब्राइट करता है, प्री मैच्योर एजिंग साइंस को आने से पहले रोकता है। और इसमें डाला गया हाइलुरोनिक एसिड, जो अपने आप में ही एक प्रॉपर्टी कंटेन करता है, मॉइस्चर को रोकने की प्रॉपर्टी अपने आप में कंटेन करता है। दोस्तों ये बात हुई इंग्रेडिएंट्स की, अब बात करते हैं इसके टेक्सचर की। बहुत लाइट वेट है, नॉन ग्रीसी है, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, नॉन कोमेडोजेनिक प्रोडक्ट है, यानी कि अगर आपके पोर्स, मार्केट के प्रोडक्ट हम यूज करते हैं तो पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, लेकिन ये आपके पोर्स को ब्लॉक नहीं होने देता, आपके पोर्स को रिपेयर करता है। और अगर हम इसकी बात करें कंटेंट की, तो ये कंटेंट इटली में बना है, इटली से लिया गया है इसका फॉर्मुलेशन, और साथ में स्विट्जरलैंड एंड ब्राजील से इसकी फॉर्मुलेशन की गई है। डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, 100% वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, किसी भी एनिमल पर इसको टेस्ट नहीं किया गया है, और दोस्तों 100% पैराबेन फ्री प्रोडक्ट आपके लिए मोदी केयर लेकर आया है। दोस्तों आने वाली वीडियोस में आपको मैं इसके जो 6 प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिटेल में जानकारी दूंगी कि उन प्रोडक्ट्स में ऐसा क्या डाला गया है और वो आप कैसे स्टेप बाय स्टेप यूज कर सकते हैं। तो वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।